हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। एंड आज हम देखने जा रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स का लेक्चर नंबर 33। सो अगर आपने पहले के 1 to 32 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए, राइट साइड में लिंक दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट का लिंक से आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने जनरेट के अंदर कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे जनरेट के अंदर हमने फोकल ग्रेडियंट एंड एडवांस लाइटिंग देखा था। तो आज हम ऑडियो स्पेक्ट्रम देखते हैं। ऑडियो स्पेक्ट्रम, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है ऑडियो स्पेक्ट्रम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे जो एक पर्टिकुलर चीज़ें ऑडियो से रिएक्ट करें वो आप कैसे करें। तो मैं आपको बताऊंगा आज हम ये कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मैं न्यू एक बेसिक सा कॉम बना लेता हूँ, उसके अंदर हम अपना ऑडियो ड्रैग कर लेंगे। मैंने एक सैम्पल ऑडियो डाउनलोड करके रखा है, NCS म्यूजिक, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। एंड हम यहाँ पर अभी एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं, सॉलिड, ओके। तो इसको नाम देते हैं हम स्पेक्ट्रम, SP स्पेक्ट्रम, ओके। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम हो गया। अब हम स्पेक्ट्रम में हमारे पास ऑडियो वेव्स के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, स्पेक्ट्रम एंड ऑडियो वेव्स, जो बेसिकली अलग अलग हैं थोड़े, बट काम दोनों का सेम ही करता है। तो इसके इसमें हम ऑडियो स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑडियो स्पेक्ट्रम में हमको बस फ्रीक्वेंसी बैंड स्टार्ट का कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको एक ऐसे ऑडियो स्पेक्ट्रम, हम एक सॉलिड पर डालने के बाद सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो लेयर आप यहाँ पर आपका सॉन्ग सेलेक्ट कर लें। अब हम प्ले करके देखते हैं इसको। देख रहे हैं काफ़ी बेसिक सा ये रिएक्ट कर रहा है उसको, एकदम हल्का हल्का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑडियो स्पेक्ट्रम पे, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मिल जाएगा। सेम आप उसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए तो मैं इसको नॉर्मल रखूँगा। उसके बाद हमारे पास आता है पाथ। तो अगर आप चाहते हैं कि जो ऑडियो स्पेक्ट्रम हमारा ऐसे निकल रहा है, ये किसी एक पर्टिकुलर पाथ में निकले, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा लेयर सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर एक नॉर्मल सा एक पाथ बनाएंगे, कोई सा भी जैसा भी आपको इजी लगे बस। और यहाँ पे हम बैक टू क्या करेंगे, इसके अंदर हम मास्क वन दे देंगे, जो कि इसका नाम रहेगा। अगर आप यहाँ पर जाके देखें तो मास्क वन, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ऑडियो स्पेक्ट्रम है वो सेम उसी वेव में काम कर रहा है। तो आप बेसिकली सिंपली आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको ना नहीं रखूँगा, जो इसका मास्क हम डिलीट कर देंगे, बिकॉज अभी के लिए मैं आपको इसको ऐसे ही बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद यूज़ पोलार पाथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है नहीं। इसके अल्टरनेटिव मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो है फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास स्टार्ट फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कौन से फ्रीक्वेंसी से वो स्टार्ट हो, तो स्टार्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 रखें। जो एंड फ्रीक्वेंसी है वो उसको आप अपने ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट करें, देख रहे हैं जिस जो आपको परफेक्ट लगे, मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट है। हमारा म्यूजिक प्ले करके देखें तो ये हमारे पास ऐसा एक, आप अपने हिसाब से एंड फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। एक ऐसे बीट पर रखें जिसके अंदर आपको थोड़ा समझ में आए, जैसे ये है। अब मैं एंड फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके देख सकता हूँ, अगर हम अप्ले करें तो इसको। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही कम हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। तो देख रहे हैं अराउंड मुझे 1600 ये परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको 1600 रखता हूँ, ओके। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड। फ्रीक्वेंसी बैंड मींस जो ये आपके पास एक एक डॉट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी बैंड बोलते हैं ना, जितना आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। तो एक बार ये हो जाए तो आप इसके बाद भी यहाँ से आप इसको जो आपको सही लगे, जितना इतना मेरे हिसाब से परफेक्ट है। तो उसके बाद आपके पास आता है मैक्सिमम हाइट। तो अगर आप
देखेंगे कि जो छोटे छोटे से आ रहे हैं, अगर आप इसकी मैक्सिमम हाइट बढ़ाएंगे तो ये आपको क्लियरली नज़र आने लगेगा। बट इसके अंदर आपकी एक चीज़ रखनी है, जहाँ आपका बीट आ रहा है, जैसे ये मेरा बीट गया ये, तो इसके अंदर ये फ्रेम के बाहर ना निकल जाए, तो आप उसके हिसाब से अपना हाइट इसका एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट है ऑडियो ड्यूरेशन। तो ये ऑडियो ड्यूरेशन को ऑफसेट करता है, ये जो बीच की जगह है इसकी, जैसे मतलब जो उसका ड्यूरेशन में जो फ्रीक्वेंसी बैंड में जो स्पेसिंग है वो ऑफसेट करता है, बट मेरे हिसाब से इसकी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास थिकनेस। थिकनेस मीन्स ये कितना ब्रॉड रहेगा, थिकनेस और आप इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जो आपको ज़्यादा प्रॉपर लगे। हाँ, मैं इसको इतना रखूँगा, एंड थिकनेस थोड़ी कम ही रखेंगे। थिकनेस के बाद आप यहाँ से इसके सॉफ्टनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बैंड्स थोड़े ज़्यादा रखना चाहूँगा, कम करूँगा। ओके, इतने प्रॉपर है, और यहाँ से आप फिर इसकी थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। अब प्ले करके देखते हैं एक, यहाँ से आप इसका इनसाइड एंड आउटसाइड कलर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक सटल सा डार्क ग्रीन कलर लेता हूँ, एंड हम इसका आउटसाइड कलर एक काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में लाइट ग्रीन देंगे। परफेक्ट। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ह्यू इंटरपोलेशन का। तो फिर ये क्या करता है, अगर आप इसको जितना बढ़ाएंगे उतने बार देख रहे हैं, वो एक ह्यू का पूरा पैलेट ऐड करते जाएगा। बट इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको रखूँगा ब्लू तक, ताकि एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग लुक आ जाए हमारे पास। इसके बाद डायनेमिक फेज है, जो अगर आप चालू रखेंगे तो क्या रहेगा, जैसे ये वेव्स ऊपर नीचे होंगे, ये उसके हिसाब से इसके स्पेक्ट्रम को एनिमेट करेगा। जैसे अभी देख लें आप, दिख रहे हैं वो आगे पीछे, और जो ब्लू है वो अपने हिसाब से एनिमेट कर रहा है। इसको ऑफ ना रखें, ऑन रखें मेरे हिसाब से। तो कलर सिमेट्री है, अगर ये देख रहे हैं सिमेट्रिकल स्टार्ट से एंड तक एक कलर आ रहा है, इसको ऑफ करेंगे तो ये सेंटर से, ऑन करेगा तो ये सेंटर से सिमेट्री लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन में जैसे हमारे पास एक लाइन है, इसकी जगह आप एनालॉग कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई हार्ट बीट टाइप, नेक्स्ट आपके पास डॉटेड भी है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देख रहे हैं। इसके अंदर आप ए बी डिसाइड कर सकते हैं, बी रखेंगे तो ये खाली नीचे के लिए जाएगा, और अगर आप ए रखेंगे तो बस ये ऊपर को एनिमेट होगा। तो फिलहाल के लिए तो हम इसको ए बी रखेंगे, एनालॉग को हम डिजिटल पर रखेंगे। डिजिटल में भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं इसको, तो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम लुक आएगा आपके पास। फिलहाल के लिए इसको दोनों रखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन एवरेज। ये दोनों को आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काफ़ी सिंपल है। तो अब हम इसके अंदर, जब हमारे पास ये कितना बेसिक सा हमारे पास एक स्पेक्ट्रम रेडी हो गया, तो अब हम इसके अंदर आगे के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूँ, बिकॉज वीडियो फेम, ये मोस्टली दोनों सेम है अगर मैं इसको स्पेक्ट्रम कर दूँ, बट इसका ये मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, बिकॉज काफ़ी इसका लुक मुझे बहुत जाइए लगता है, काफ़ी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब दोनों में आपको बेसिकली सेम ऑप्शन बताया मिलने वाले, इसलिए आज मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही ऑप्शंस हैं। बिकॉज स्पेक्ट्रम बेटर, इसलिए हम स्पेक्ट्रम में काम करेंगे। तो जब मेरे पास ये कितना रेडी हो गया है, तो अब हम काम करते हैं किसका, अगर आप यहाँ पर आएंगे कंपोजिटिंग, कंपोजिट ऑन ओरिजिनल, तो मींस जो ये हमने ब्लैक सॉलिड पे, जिस पे भी सॉलिड पे हमने इसको अप्लाई किया है, तो उसको कंपोजिट कर देगा ओरिजिनल बैकग्राउंड के साथ। तो अगर अब हम इसको एक न्यू सॉलिड लें, सॉलिड एनी कलर ग्रीन टाइप, कोई भी कलर अपने हिसाब से, कोई सा भी कलर ले लें, उसको हम स्पेक्ट्रम के नीचे रखते हैं और इसका कंपोजिट ऑफ कर देते हैं, तो ये इसके साथ कंपोजिट ऑन ओरिजिनल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसके अंदर एक फोर कलर ग्रेडियंट डाल देते हैं, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, फोर कलर ग्रेडियंट, सॉरी स्पेक्ट्रम पे नहीं, इस पे डालें, एंड एक पर्टिकुलर अच्छा सा हम डार्क है, तो आई गेस डार्क ग्रीन थीम बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। सबको इसे पिक कर लेते हैं, ओप्स,
Oops, एक डार्क कलर थी. एंड दिस. देख हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आ गया. थोड़ा सा इसका जिटर बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं वो कलर बैंडिंग्स नहीं आएंगी. एंड इसके अंदर हम एक डार्क ग्रीन ही दें. इसको इस क्लियर पिक कर लें. तो एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड बना लिया. अब हम क्या करें, हमको चाहिए कि ये एक सर्कल में एनिमेट हो. तो हम क्या करेंगे, जो हमने अपने कुछ लेक्चर पहले में डिस्ट्रॉट के अंदर पोलर कोऑर्डिनेटर्स देखा था, जो मोस्टली बहुत ही कम जगह यूज़ होता है, बट यहाँ पर एक वो है जहाँ पर ये यूज़ है. अगर मैं इसको स्पेक्ट्रम में डाल दूँ, इसको हम बंद कर दें, इसको थोड़ा सा ये बढ़ाएं, तो देख रहे हैं आप काफ़ी अलग सा इफेक्ट मिल गया आपको. बस अगर आप पोलर टू रिएक्ट कर दें और उसकी जगह रिएक्ट पोलर कर दें तो वो एक एकदम सर्कल हो जाएगा. बस आपको इसकी वैल्यू एकदम 100% करनी है, एकदम 100 रखें, वरना फिर इसके अंदर एक स्ट्रेचीनेस आएगा. 100 करें तो आपके पास देख रहे हैं एक सर्कल में एक प्रॉपर सा लुक आ गया है. बट अब आपको चाहिए कि ये कनेक्ट भी हो जाए, तो आपको खाली इसका फर्स्ट वैल्यू थोड़ा पीछे करना है, टच ना हो जाए वो, और इस ये वैल्यू को थोड़ा सा ये सेट, या फिर फर्स्ट वैल्यू इसकी भी, तो ये सिंपली कनेक्ट हो जाएगा. तो ऐसे ही आप सिंपली एक सिंपली ऐसे आप एक ऑडियो स्पेक्ट्रम बना सकते हैं. थोड़ा इसको बेटर करने के लिए इसके अंदर हम एक ग्लो डाल देते हैं. यहाँ पे सर्च करें ग्लो इफेक्ट, तो आपके पास एक सिंपली ग्लो आ जाएगा. वो ग्लो आप स्पेक्ट्रम में डाल दें और इसको यहाँ से बस थोड़ा सा मैनेज कर लें. इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा थ्रेशोल्ड बढ़ाएं, इंटेंसिटी का रेडियस बढ़ाएं, या इंटेंसिटी ज़रा सी बढ़ाएं, थ्रेशोल्ड से उसको एडजस्ट कर लें. और बस आप इसको डुप्लीकेट कर दें दो बार, तो एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग आपको इफेक्ट मिल जाएगा. अब प्ले कर सकते हैं आप इसको. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. आप ऐसे करके आप एक सिंपल सा एक स्पेक्ट्रम इफेक्ट बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर. टिल देन आप जाके हमारे चैनल चेकआउट कर लीजिए. फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, सिनेमा 4D के काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स चालू हैं, तो जाके चेकआउट करिए. सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन, गुड बाय.